दोस्तों, कैसे आप सब लोग? क्या आप एक अजीब परिवार से मिलना चाहते हो? अगर आपकी जवाब हाँ है तो आज मैं आप लोगों को एक अजीब परिवार से परिचय करवाना चाहती हूँ। मैं इसे अजीब परिवार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि उनका घर का नाम ही है अजीब। इनका घर का नाम है मुहावरे, यानी कि इडियम्स। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि वो हर बात पर मुहावरे का उपयोग करते हैं। पहले मैं आप सभी को इस परिवार के सदस्यों से मिलवाती हूँ। इस परिवार की माँ का नाम है मुहावरे इंदुमती। हाँ इंदुमती जी। और इस परिवार का पिता का नाम है मुहावरे इंद्र वर्मा। हाँ इंद्र वर्मा जी। और इस परिवार की बेटी का नाम है चुटकी, मुहावरे चुटकी। हाय चुटकी। हाय। इस बेटे का नाम है मुहावरे जग्गू। हाय जग्गू, कैसे हो? बहुत अच्छे, बहुत शरारती हो। ठीक है, और मैं इस शो का एंकर हूँ, तो चलो इस शो को देखकर हम लोग आनंद पाते हैं। तो इधर आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी जी अखबार पढ़ रही है और बेटी गहरी सोच में पड़ गई है। चुटकी, तुम इतनी गंभीरता से क्या सोच रही हो बेटी? इसे बेवजह समय बर्बाद करना ठीक नहीं होती है चुटकी। तुमको पता है काले दिमाग शैतान का घर होता है। वाह, इस किट के पहले मुहावरे अद्भुत। मैं अपने परीक्षा के परिणामों के बारे में सोच रही हूँ माँ। मैंने 2 प्रश्नों के गलत उत्तर लिखे हैं। अब सोचने का क्या लाभ, जो हो गया सो हो गया, चिड़िया चुग गई के। इस मुहावरे का यह अर्थ है कि समय निकल जाने पर पछताने से क्या लाभ। तुम्हारा बाल कहाँ है? मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। हाँ माँ, मैं इधर ही हूँ। हाँ मैं इधर ही हूँ। हाय दोस्तों। हाँ मैं इधर ही हूँ। नाम लियो और शैतान हाजिर। इस मुहावरे का यह अर्थ है कि शैतान का नाम लो और शैतान जरूर हाजिर हो जाएगा। माँ देखो ना, दीदी मुझे शैतान कह रही है, इसलिए मैं अपना कमरा उसके साथ शेयर नहीं करता। मुझे पता है, एक मायन में 2 तलवारें नहीं समती। इस मुहावरे का यह अर्थ है कि एक स्थान पर 2 शक्तिशाली व्यक्ति नहीं रह सकते। हर बात को एक मुहावरे क्यों बोलती हूँ माँ? बाहर सभी लोग हमको मुहावरे परिवार बोलकर कमेंट कर रहे हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इस मुहावरे का अर्थ यह है कि वह व्यक्ति जो किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की कद्र ना जानता हो। ठीक है माँ, उसके बारे में छोड़ दो। किसी भी कीमत पर मैं उसे उस कमरे से हटाने जा रही हूँ। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। इस मुहावरे का अर्थ यह है कि अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता। तुम दोनों को साथ रहना है बेटा, लेकिन वह मेरे साथ तालमेल नहीं बिठाता माँ। इसीलिए मैं कहती हूँ, जल में रहकर मगर से वैर ठीक नहीं होती। इस मुहावरे का अर्थ यह है कि अपने आश्रयदाता से शत्रुत्व करना। देखो माँ, वो नहीं बदलती, जैसे को तैसा। इस मुहावरे का अर्थ यह है कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। ठीक है जग्गू, अब से झगड़ा खत्म, दोस्ती शुरू। दाल में तो कुछ काला है। इस मुहावरे का अर्थ यह है कि कार्य या बात में संदेह होना। यही कारण है कि मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती जग्गू। तुम कभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। तोता छेना बाजे गाना। इस मुहावरे का अर्थ यह है कि गुणहीन होने पर भी गुणों का दिखावा करना। क्या बोला तू? मुझे ज्ञान नहीं है, तुम्हें ही ज्ञान नहीं है। चुप कर। तुम दोनों फिर से लड़ने लगे? तुमसे मेरी हालत आगे को पीछे काय तरह हो रही है। इस मुहावरे का अर्थ यह है कि दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी होना। तो तुम दोनों ऐसे नहीं सुधरने वाले। ठीक है। अरे हाय दोस्तों। अरे यार, बाय बोलने का समय भी आ गया ना। बाय बाय दोस्तों। तो अगले साल अगले हिंदी दिवस में और थोड़े मुहावरे के साथ आपके सामने शामिल होंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।